जिंदगी एक जंग है और कई बार लोग इस जंग में परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं या फिर आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। लेकिन हम आपको आज एक ऐसे जिंदा दिल इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने दिव्यांगता को हरा कर एक मिसाल कायम की है। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के टटम गांव के निवासी जगदीश प्रसाद राय की, जो सिंचाई विभाग में कर्मचारी के तौर पर काम करते हैं। वर्ष सन 1980 में वह अपना समय जब अचानक जगदीश के साथ अपनी ड्यूटी के दौरान एक हादसा घटित नहर के सर्वे के दौरान हो गया और एक रोड बड़ी लाइन से टकरा गई। इस हादसे में जगदीश ने अपने दोनों हाथ खो दिए। जिस वक्त हादसा हुआ जगदीश के माता पिता भी नहीं थे, बड़े भाई और भाभी उनका परिवार था। इस हादसे के बाद जगदीश जैसे टूट गए थे। वो बताते हैं कि उस वक्त का ऐसा दौर आया कि उन्हें लगा कि आत्महत्या कर लें, लेकिन इस हादसे की वजह से उनके भाई भी बेहद परेशान हो गए थे और पागलों की जैसी हरकत करने लगे थे। लेकिन जगदीश ने हार नहीं मानी, उनकी भाई और भाभी ने उनका हर कदम पर साथ दिया। जगदीश बतलाते हैं कि उस दौर में गांव के लोग उनकी हंसी उड़ाया करते थे। अब यह दिव्यांग भला क्या करेगा, या तो आत्महत्या कर लेगा या फिर कहीं जाकर भीख मांगेगा। और यही बात जगदीश को खल गई और उन्होंने अपने कटे हुए हाथों के दम पर ही काम करने की ठानी। जगदीश ने 4 साल तक रिक्शा चलाया। इस हादसे के बाद सिंचाई विभाग से कोई मदद उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने सागर में केस लड़ा और काफ़ी संघर्ष के बाद लगभग 16,000 रुपये बतौर कंपेंशन के उन्हें मिले। इसके बाद जगदीश ने प्राइवेट बसों में कंडक्टरी करना शुरू कर दिया। लगातार संघर्ष के बाद एक बार फिर सिंचाई विभाग में उन्हें बतौर कर्मचारी रखा गया। लेकिन जगदीश को मलाल है कि उन्हें शासकीय योजना का कोई भी लाभ आज तक नहीं मिल सका, जबकि उनके बिल्कुल भी जमीन नहीं है। जगदीश यह भी बताते हैं कि वह सीएम शिवराज से मिलने 2 बार भोपाल भी गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। जगदीश दिव्यांग होने के बावजूद हर वह कार्य कर लेते हैं जो एक सामान्य शख्स करता है। खाना बनाना, स्वयं खाना खा लेना, साइकिल चलाना, पानी भरना, शर्ट के बटन लगाना, अगरबत्ती जलाकर पूजा करना, यहाँ तक कि आँखों में काजल लगाने जैसा बारीक काम भी जगदीश आसानी से कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जगदीश की हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है। जिस जगदीश ने शादी नहीं की है, उनके परिवार में उनके बड़े भाई भाभी और 2 भतीजे हैं जिनकी बच्चियां हैं, और उन्हें अपनी नातिनों की शादी की चिंता भी जगदीश को सताती रहती है। जगदीश के भाई की मुख्य मार्ग पर एक दुकान है जिसमें भी जगदीश जब भी समय मिलता है मदद करते रहते हैं। दिव्यांग होने के बावजूद भी वो जिस तरीके के कार्य करते हैं वह देख कर हर कोई उनकी तारीफ करता है, और वो खुद भी कहते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों लेकिन इंसान को हार नहीं मानना चाहिए और अगर इंसान चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। जगदीश ऐसे लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो इस तरह के हालात में आकर हार मान लेते हैं। जगदीश प्रसाद राय, ये बताएं कि कब आपके साथ ये हादसा हुआ था? वेरा हमारा 80 नहर की सर्वे हो रही थी जी, रेंजरघाट ऊपर बड़ी लेन में टकरा गई थी 33,000। जी जी, उस दुर्घटना में आपके दोनों हाथ कटे। फिर के बाद कोई सुनाई नहीं करी। जिस वक्त ये घटना हुई आपकी, तब तो आप टूट गए होगे, आपको कैसा लग रहा होगा कि अब आगे की लाइफ आगे की जिंदगी घर में हमारा कुछ है ना, खेती ना पाती कुछ है ही नहीं। क्या कहा करते थे आपके मोहल्ले वाले? कहते कि बर्बाद हो गए, अब नहीं इनका कुछ नहीं, अब क्या करें जी। हमारे बड़े भाई थी, सुबह भी पकड़े आ गए थे उस समय। इतनी बड़ी घटना होते देखी तो बड़े भाई को स्वाभाविक है। फिर हमारी भाभी ने हमारी सेवा करी, पत्थर फोड़ी अन्य बड़े भाई ने जी जी, हमें खवाओ बवाओ। यही के बाद हम रिक्शा चलाओ चार साल रिक्शा चलाओ। तो जब रामदास लक्ष्मण दास है उन्हें हमें केस लड़ू तो भी दबवाए थे सागर से लेबर कोर्ट से। जितने पैसे फिर दोबारा कैसे आप मतलब फिर आपने के बाद हम गए थे जब जीते मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, इनने लिखा पढ़ी करी थी इंदिरा जी थी उस समय, इंदिरा जी के होते गए, इंदिरा जी ने वहां से लेटर भेजे, फिर इन्हें दोबारा रखा गया आपको काम पे। तो अभी आप काम कर रहे हैं? अभी भी काम कर रहे हैं। क्या आप परमानेंट हो गए हैं? नहीं, वही परमानेंट। साथ में वेतन के लाने केस लड़े थे और पेंशन के लाने केस लड़े थे। इनके द्वारे गए भोपाल में हम 2-3 बार, वहां से गेट से दरवाजे शिवराज सिंह की मुलाकात नहीं हो पाई आप? कोई मुलाकात नहीं, जाओ फिर आना फिर जाना फिर आना। तो अभी हमने देखा आप सारे काम कर लेते हैं घर के,
तो कोई दिक्कत नहीं आती है? दिक्कत तो अगर कोई नहीं आती। पानी भी भर लेते हैं? पानी भरे तो खाना बना लें, वक्त परे पे खाना खाएं, खाना बनाए, कपड़ा धोए, सब काम करें। तो परिवार वाले आपके जो भतीजे हैं, आपके भाई हैं, वो सब सहयोग करते हैं? और नहीं तो को करे, गांव को थोड़ी कर सका। शादी नहीं की आपने? शादी नहीं। और क्या क्या कर सकते हैं आप? गाड़ी चला लेते हैं क्या? गाड़ी चला लेते हम। हाँ। कौन सी गाड़ी चला लेंगे? चार पहिए दे दो, ट्रैक्टर दे दो, सो आप भी दिन भर जुताई करते रहे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बस चला ले। ऐसी नहीं कि दौड़ा के चलाए, अपनी बैग एक करके। उस दिन आप जब नौकरी नहीं मिली थी तो आप बस में भी कंडक्टरी किया करते थे? बस में चला था, पहले रिक्शा चला, फिर इसके बाद बस में चला था, इसके बाद नौकरी ये मिली थी।